जब आप किसी का कपड़ा पहचानने लगते हैं, आपको पता है ना? नहीं, आपको नहीं पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में? कपड़े से पहचान रहे थे, कपड़े से पहचानने की बात उन्होंने की। इतने बड़े पद पर बैठा आदमी इतनी छोटी बात कहेगा? ये वही कह सकता था जिसके दिमाग में हर समय हिंदू मुस्लिम चल रहा होता है, वही ये हल्की बात कह सकता था। और ये कपड़े से पहचानने वाली बात जो है, उन्होंने एक समुदाय के लिए ही सिर्फ नहीं कही थी, उन्होंने इस देश की जनता की जो बुद्धि है, जो सोचने की क्षमता है, उसको चुनौती दी थी कि 5 साल में हिंदू मुस्लिम दिखाते दिखाते हमने तुम्हें इस स्थिति पर ला दिया है कि अब हम कहेंगे कि सिर्फ तुम कपड़े से पहचान लो और आप कपड़े से पहचानेंगे। वो तो कहिए कि झारखंड के आदिवासी लोग सदियों से कपड़े से किसी को नहीं पहचानते थे, अपने देश का भूगोल भी नहीं मालूम था जहां के चुनाव में कह रहे थे। तो वो खून का रिश्ता था। घरों में ये सिखाया गया कि शादियों में जो रिश्तेदार आते हैं सब अलग अलग आर्थिक हैसियत के हैं, किसी का कपड़ा खराब हो सकता है, किसी का कपड़ा साधारण हो सकता है, लेकिन खून का रिश्ता है। इस देश में, इस देश से हिंदू और मुसलमान का खून का रिश्ता है। वो इस देश की आत्मा है दोनों, और आत्मा का आकार नहीं होता है, रूह का कोई कपड़ा नहीं होता है। मुर्दे पर कफन डालते हैं, आत्मा को किसी ने देखा नहीं। आप आत्मा पे कफन मत डालो, कपड़ा मत डालो, तुमने कहा आप कपड़े से पहचान। इसीलिए अगर हम सब को नागरिक बनाया होता तो वो क्या कोई भी नहीं कह सकता। उनकी तमाम पुलिस के जो लोग हैं जो बात बात पर सेडिशन के केस दर्ज कर लेते हैं आजकल, वो लोग भी ये बात नहीं कर पाते। कपड़े से पहचानने वाली बात इतनी हल्की बात, चुप गई मैं। यही सोचता रहा कि हिंदुस्तान की जनता, जिस गांधी ने कपड़े उतार दिए अपने, जो वो सूट पहनकर आए थे, अंग्रेज उन्हें कपड़े से ही तो पहचान रहे थे ना, तो गांधी ने कहा लो मैं सूट ही उतार देता हूं, कुछ नहीं पहनूंगा, लंगोट में चल देता हूं। पहचानो गांधी को कपड़े से, पहचानो। वो लाठियां लेकर हजारों लाखों लोगों के बीच में चलता हुआ आज भी चला आ रहा है, पहचानो उस महात्मा गांधी को। आज 26 जनवरी है, 4 दिन बाद उनकी हत्या होने वाली है, पता है ना? 5 साल से उनका नाम लेकर रोज उस बिना कपड़े वाले फकीर की हत्या हो रही है। ये आपके पागल हो जाने का ऐलान है कि अब आपको गोदी मीडिया के जरिए आपके दिमाग में वो जहर भर दिया गया है कि अब सिर्फ आपको कपड़ा देखना है और भीड़ बनके किसी को मार देना है, इसकी तैयारी की गई है। तो मत कीजिएगा, वरना वो कोई और आ जाएगा जो अपने कपड़े उतारकर आपकी अंतरात्मा के दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा कि मैं गांधी हूं। कितनी बार मारोगे मुझे, कितनी बार मारोगे? तो इसलिए हम सबको नागरिक बनना चाहिए। जब हम नागरिक बनेंगे तो हम एक दूसरे के लिए समान अवसर का अवसर बनाएंगे, एक दूसरे के लिए बराबर होंगे। ये बार बार कहना बंद कीजिए कि ये धर्म वो धर्म, तराजू पे तौल के सब बराबर है। हम बराबर हैं तो सिर्फ संविधान के समक्ष बराबर हैं, और उसकी दी हुई नागरिकता के परिभाषा के तहत बराबर हैं। ये हमारी नई पहचान होनी थी जिसके लिए 100 साल तक लोगों ने लड़ाई लड़ी, फांसी के फंदे पर भूल गए ना, क्या मिला उनको? उन्होंने तो आजाद भारत का तिरंगा भी नहीं देखा, लेकिन वो इसी मुस्तकबिल, इसी फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। हम आप सब भटक गए हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकल आइए और नागरिक बन जाइए। मैं आपको बता रहा हूं, आप उन्हीं को प्रेम कीजिए, मैं उनसे आपको दूर नहीं ले जाना चाहता हूं। आप 25 लाख सूट वाले को ही प्रेम कीजिए।